और गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद बीजेपी नेता राज्यपाल से मिलने जाएंगे, जहां सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी विधायक दल की मीटिंग शुरू होने वाली है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको बैठक में दिखाई दे रहे होंगे, सीआर पाटिल दिखाई दे रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू भी आपको दिखाई दे रही हैं, पर्यवेक्षक बीएस येदुरप्पा भी इस बैठक में मौजूद हैं और जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने की उम्मीद है शपथ ग्रहण समारोह में। के लिए दबाव बनाता रहा, ऊपर से जब प्रिंस नहीं माने तो बाइडेन ने चुनाव प्रचार के दौरान उन पर तीखे हमले बोले। वो उन्हें पत्रकार जमाल खशोगजी का हत्यारा तक कहते रहे, यहाँ तक कि उन्हें पुतिन से दोस्ती निभाने का अंजाम भुगतने की भी चेतावनी देते रहे। इसी का नतीजा ये रहा कि खाड़ी देश अब अमेरिका का ही विकल्प ढूंढने में लग गए। यही वो हालात हैं जो अमेरिका के लिए आपदा और चीन के लिए अवसर बन गए, क्योंकि सऊदी अरब पश्चिम एशिया के कई देशों की अगुवाई करता है और सऊदी अरब को साधने का मतलब है कई खाड़ी देशों के साथ रिश्ता जोड़ना। जिन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग चीन गए हैं, वहां भी कई देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। और चीन की कोशिश यह है कि पश्चिम एशिया के इन देशों का इस्तेमाल अमेरिका को कमजोर करने के लिए किया जाए। शी जिनपिंग की तरफ से इन सभी देशों को रक्षा सहयोग का भी भरोसा दिया गया। सऊदी अरब को पहले से एक ऐसे साथी की जरूरत है जो ईरान से लड़ने के लिए उसे हथियार दे पाए। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम से बनने वाली चीजों के कारोबार और टूरिज्म तक में सहयोग का वादा चीन ने किया। मतलब ये कि जैसे चीन किसी भी देश को सुनहरे ख्वाब दिखाता है, कुछ वैसा ही दांव शी जिनपिंग ने सऊदी अरब में भी चल दिया। रूस से तो सऊदी अरब की नजदीकी पहले से ही है, अब चीन की खाड़ी देशों में एंट्री एक नया त्रिकोण बनाने वाली है। चीन, रूस और सऊदी अरब की टिकड़ी अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन बन सकती है।